सुहेब मकसूद साहब का ट्वीट था और आमिर यामीन यानी कि दोनों जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने ये अक्यूज़ किया कि 8,000 रुपये उनको रिश्वत देना पड़ी पुलिस अफसरान को और धमकियां दी गई कि थाने ले जाएंगे। तो ये बड़ा तश्वीशनाक है, किस तरह से देख रही है पीपल्स पार्टी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने असल में, हम लोग क्वेटे आए हुए हैं और यहाँ पे वो योम तासीस के जलसे और उसकी तैयारियों में है, मीटिंग्स हैं और दीगर चीजें थी, तो मैंने तो ट्वीट नहीं देखा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हुआ है तो बहुत मायूब है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए उन पर जिन्होंने, अगर इस तरह के जो हमारे कौमी हीरो हैं या कोई भी एक आम आदमी से भी अगर इस तरह से कोई करता है तो उसको ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और उन पर एक्शन हो। ये कौमी रोज के साथ हुआ है तो अभी तो इस पर मुकम्मल इंक्वायरी हो और फिर सबके सामने लाया जाए ताकि वो आम आदमी को भी तंग न कर सके। शाह साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने भी कहा कि कौमी हीरो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने ये बताया कि हम कौमी हीरो हैं तो उन्होंने कहा कि फिर तो आपको और ज्यादा पैसे देने चाहिए, तो ये जो ओवरऑल रिफॉर्म्स हैं आपको लगता है कि होनी चाहिए ताकि इस तरह की एम्बेरसमेंट ना हो? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। असल इशू ये है कि वो जो नीचे कहीं पे जो पुलिस वाले या जो भी लोग इस तरह के खड़े होते हैं तो वो उनकी जो मेंटेलिटी है ये उसके लिहाज से, और बहुत सारे लोग वो भी हैं जो उनकी तारीफ भी करते हैं कि इतनी सख्त ड्यूटी के बाद भी वो बड़े बाखलाक तरीके से सबसे पेश आते हैं या जो भी है। और इस तरह की ब्लैक शीप्स भी होती हैं वहां पे, तो अगर इन्होंने किसी ने किया है तो उस पर एक्शन हो ताकि दूसरे भी सबक सीखे। अच्छा, मुझे सियासी मामलात के हवाले से जो है वो ये बताइएगा कि 16 माह की जो कारकर्दगी थी पीडीएम की, अगर उसकी बात की जाए तो एक यूनियन फॉर्म की गई, बेशक फेस शहबाज शरीफ साहब का था लेकिन पीपल्स पार्टी भी उस इतिहाद का हिस्सा थी, और आज अचानक से आप पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आप चूंकि हुकूमत चली गई है, इलेक्शन सर पे खड़ा है, तो आप डिस्टेंस कर रहे हैं 16 माह से अपने आप को, और आप ये कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसको दीवार से लगाया जा रहा है या फिर कोई सिलेक्शन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्या खदशात हैं आपके? और ये 16 माह की जो आपकी शराकत थी इसको जस्टिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसका उस तरह से हिस्सा नहीं थी डिसीजन मेकिंग में? देखिए, बिल्कुल 16 माह की गवर्नमेंट थी, उसमें सब साथ थे और बहुत सारे डिसीजन जो थे वो ज्वाइंट थे, बल्कि जाहिर है जितने भी उस वक्त हुए उससे बरीउल जुमा इस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बहुत सारे इश्यूज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करती थी। लेकिन जाहिर है उस वक्त जो हालात थे, जिस तरह पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत ने जो जो कुछ यहाँ पे किया जिससे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो उसके लिए फिर ये मिलके फैसला जरूर करते थे। और लेकिन ये एक हद तक तो बात है कि जब भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें पीपल्स पार्टी के तहफुजात, इवन कैबिनेट मीटिंग में भी जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स थे वो जरूर रखते थे। तो ये इश्यूज हैं, कुछ चीजों पे हो सकता है कि बेहतरी लाई जा सकती थी, लेकिन चलें, इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो हम जाहिर है उससे इस तरह बिल्कुल भी बरील जिम्मा नहीं। शाह साहब, ये इसके अलावा राणा सनाउल्ला साहब का क्लेम ये 120 सीटें जीतेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि 20 भी नहीं जीत सकती नून लीग, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे पीएमएलएन को? देखें, पीएमएलएन हमारे लिए एक ताई मौत पर पार्टी है और मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो तो जाहिर है इलेक्शन का दिन बताएगा। ये तो पॉलिटिकल स्टांस हो सकता है राणा सनाउल्ला साहब की तरफ से 120 का आया, हमारे फैसल करीम कुंडी साहब ने उनकी 20 कर दी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पोजीशन है। आपको क्या लगता है कितनी जीतेंगे? जाहिर है पंजाब उनका स्ट्रांग होल्ड है और वहां से वो काफी अच्छी सीटें लेंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई ऐसी भी नहीं जितनी वो क्लेम कर रहे हैं। और कराची में क्या होगा एमक्यूएम के डिसीजन के बाद से? सर देखें, कराची या पूरी सिंध की अगर बात कर लेना तो वहां पे हमें इस इत्तेहाद से या इन चीजों से हम बिल्कुल खायफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कराची का जिक्र किया, हम पहले से ज्यादा नशस्तें लेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि एक और सिलेक्शन हुई तो मुआशी तौर पर बर्बादी हो जाएगी, किसकी सिलेक्शन की बात हो रही? देखें, जो एक तासुर मिल रहा है ना, आप देखें मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार है और बहुत ज्यादा इदराक रखते हैं कि वो जो आम चीजें मीडिया पे आ रही हैं
कि जी मियाँ साहिबान को कुछ ज्यादा फेवर दी जा रही है, खासतौर पर वो कह रहे हैं कि जी वो जैसे आए थे तो जी बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पे टीम पहुंच गई, दीगर चीजें और भी इश्यूज हैं। लेकिन मैं देखें, पीपल्स पार्टी ये भी समझती है आप के जो मियाँ साहब को सजा हुई थी वो गलत हुई थी, बेटे से पैसे तनख्वाह ना लेने पे उनको नाहल करार दे दिया गया, उनको सजा हुई तो वो भी गलत थी, सारे केसेस फैब्रिकेटेड थे। इसके बावजूद के गिलानी साहब के केस में मियां साहब कोर्ट में चले गए थे। जी बिल्कुल, मैं हम तो शुरू से भुगत रहे हैं ना, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काफी अरसे से फेस कर रही है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल से ज्यादा की सजा जो है वो खा चुके हैं, बेगुनाह सजा, जिसमें सिर्फ इसी तरह के केसेस और जिसमें मोस्टली पीएमएलएन ने बनाए थे। लेकिन हम इन सारी चीजों को दरगुजर कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी की वजह से। शाह साहब ये बताइए कि सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफी हैं और उनकी बात क्रेडिबल होती है, उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ हलकों में ये बात सुनी है कि अगस्त सितंबर तक इलेक्शन नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या लाहे अमल होगा, आप तो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब की मौजूदगी में डिले नहीं हो सकता, अगर हो गया फिर? देखें 8 फरवरी को हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, हम तो आपके इल्म में हैं कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो कहती रही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो और अगर कोई इश्यूज हैं तो 100 डेज 120 डेज, लेकिन चलें बिल आखिर अगर 8 फरवरी 2024 की डेट आई है तो हमने कहा चलें ये भी ठीक है। शाह साहब मुझे मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी से इलेक्शन आगे जाएंगे। काजी फायज ईसा साहब जो हम सब को उन्होंने कहा है कि इफ एंड बट्स पे भी आप डिस्कस ना करें, वो कैसे किसी को अलाउ करेंगे कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए? शाह साहब इसके अलावा पीपल्स पार्टी में जो हालिया एक स्क्रीन की हद तक अगर डिवाइड जो देखने को मिली, मुझे बहुत से आपकी पार्टी के कारकुनान ने यह भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज करके लगा रहे थे, किसी ने बिलावल साहब की तस्वीर लगाई, किसी ने जरदारी साहब की लगाई और एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे थे, डिवाइड इतनी बढ़ गई थी। इसके बाद बिलावल साहब ये भी कहते हैं पार्टी पॉलिसी में जरदारी साहब का जो फैसला है वो हरफ आखिर नहीं है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, अभी तक पार्टी में क्लैरिटी नहीं है कि लीडरशिप में किसकी बात सुननी है, आपको लगता है चैलेंज है बहुत बड़ा ये आपके लिए? देखें मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ लोगों की ये खुशफहमी या उनका बदगुमानी कह दें या कुछ कह लेंगे जो समझते हैं कि इख्तलाफात हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू 1.5 घंटे से ज्यादा का था, उसमें से 1-2 मिनट जिस जो बात को हाईलाइट किया गया उसमें ये तो कह दिया गया कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हाईलाइट किया जा रहा है कि अभी उनको तजुर्बा हासिल करने की जरूरत है, लेकिन उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता जिसमें प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, मुझसे ज्यादा सियासी समझबूझ रखता है, मुझसे ज्यादा काम कर रहा है और तजुर्बे के लिए उन्होंने अपने लिए भी कहा कि मैं भी इस वक्त तक तजुर्बा हासिल करता हूँ, सीखता हूँ। तो ये तो एक जहदे मुसलसल है सीखना और उसको कह दिया गया जी, उन्होंने कह दिया ये नया तजुर्बेकार है। अब आ जाए 3P और 4P पे। जी जी, 3P पे पाबंदी मुशर्रफ साहब के जमाने में लगी, फिर 4P बनाई गई जी। तो ये जरूर है कि 4P के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और 3P के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, लेकिन ये 7Ps एक ही है और इसके चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और दोनों एक पेज पे हैं। टिकट जो है न चेयरमैन साहब देते हैं न प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं, ये फैसला जो बोर्ड बना हुआ होता है इलेक्शन बोर्ड जिसमें हमारे सीनियर रहनुमा है और फिर वो अपनी मशावरत से ये जाके लीडरशिप को देते। वैसे ये आपने नया अच्छा फॉर्मूला दिया है कि 4 और 3 को कंबाइन करके 7 कर लें। तो सही 7 पीस कह लें, कुछ 10-15 पीस कह दें लेकिन चीज वही है, एक तो मैं आपको बताऊं कोई इख्तलाफ नहीं है और अगर किसी ने DP चेंज की है, अगर आपके पास कोई इस तरह का है तो मेरा आपके पास नंबर है जी। वो भले मीडिया पे ना आए, ना ही मैं डिस्क्लोज करूंगा तो वो आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जरदारी साहब ने ये कहा कि टिकट मैंने ही देनी है, आप कह रहे हैं नहीं देनी? सर सुन तो ले, टिकट मैंने देने का मकसद ये कि 4P वालों की टिकट मिलती है ना सही, उसकी साइन होती है जो जनरल सेक्रेटरी है 4P का, सही ये वाली बात थी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन हमारे बिलावल साहब ही हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो वजीर आजम
अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। शाह साहब, आखिरी सवाल, बाप पार्टी भी आपके साथ नहीं आ सकी, साउथ पंजाब में भी जो आपकी उम्मीदें थी वो आईपीपी के बनने के बाद उस तरह मटेरियलाइज नहीं हुई, आपको लगता है कि आरओस का इलेक्शन होने जा रहा है, दोबारा ये बयान सुनने को मिलेगा खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, हम कहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। आपने बलूचिस्तान की बात की, बलूचिस्तान में बहुत सारे मौजूदीन हमारी तरफ भी आए हैं और अब यौम तासीस हमारा यहाँ है, कुछ और भी इंशाल्लाह आएंगे या उनसे रबते भी हमारे हैं और हम बहुत कंफर्टेबल हैं। जनूबी पंजाब में बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। आईपीपी जो है या दीगर जो चीजें हैं, ये तो हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकली अगर आप जहन रखते हैं, और मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हैं ये हम पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा देंगी। आईपीपी और पीटीआई का वोट आपस में बटेगा। अच्छा, जहां पे स्ट्रांग होल्ड पीपी का है उसको फायदा होगा, जहां नून लीग का है उसको होगा, जहां केपी में मौलाना साहब का है, एएनपी है, अपना पीपल्स पार्टी है, या वहां पीएमएलएन है, उनको होगा। पीटीआई मैदान में ना हुई तो आपके लिए अच्छा है या बुरा है? नहीं, पीटीआई को मैदान में होना चाहिए, होना चाहिए। उसके लिए हमारे, सुन ले, हमारे लिए अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा, असल इशू ये है कि इलेक्शंस पर इफ और बट्स आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप पीटीआई को निकालते हैं। हाँ, पीटीआई में वो लोग जो नौ मई के किरदार हैं, जो मंसूबा साज हैं, उनको बिल्कुल कानून के तहत जो भी सजा मिलती है और उनसे हटकर जो लोग हैं वो उसमें आराम से, ठीक है।